करोना वायरस इज लाइक ऑल अदर वायरस, इट इज ए रेस्पिरेटरी पैथोजन। वो क्या है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इन्फेक्शन करता है, जो भी है पहले जैसा इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रिनो वायरस, इट इज ए टाइप ऑफ वायरस विच इन्फेक्ट्स अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी फिलहाल क्या है, करोना वायरस नावल NCOV-19 करोना वायरस 2019, वो ये नया वायरस है। इट इज, पहले भी हम करोना वायरस देख चुके हैं, उससे इन्फेक्शन आ चुके हैं। ये नावल करोना वायरस है, ये फर्स्ट वायरस है जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हुआ है, दैट इन ह्यूमंस में फर्स्ट टाइम इसका बीमारी सिम्टम्स आ रहा है। यूजुअली क्या होता है, करोना वायरस आपको पता है पहला केस रिपोर्ट कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, चाइना में जो भी है वुहान सिटी बोल के है, वहाँ वुहान सिटी से ये बीमारी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ अभी तक यहाँ है, यहाँ का ये है इंडिया में है, यहाँ इंडिया में अभी का जो भी है कंफर्म केसेस 20-30 बोल रहे हैं। अगर हमारा रीजन में, अगर कल्याण कर्नाटक, हमारा हैदराबाद कर्नाटक का रीजन में से, तो अगर फिर फिलहाल अभी न्यूज़पेपर के हिसाब से, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से एक भी कंफर्म केसेस नहीं है करोना वायरस के, एक भी कंफर्म केसेस नहीं है। जो भी है, जो पेशेंट अभी डॉक्टर के पास आता है ना, तो सिम्टम्स रहता है ना, वो सिम्टम्स के हिसाब से उनको सस्पेक्ट किया जा रहा है, अगर हो भी सकता है। कैसे, अभी हमारे तो नया केसेस तो कोई नहीं है, अगर जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो भी अभी अब्रॉड से आ रहा है, जो भी हांगकांग गया, जापान गया, थाईलैंड गया, जो चाइना से कहीं भी इधर से आ रहा है, वो पेशेंट अभी जो भी है मेट्रो सिटीज में आ सकता है, बेंगलोर ना, बेंगलोर नियर बाय हमारा तो हैदराबाद है, बेंगलोर है और चेन्नई, दिल्ली, ऐसा मेट्रो सिटी में आना, हम लोग यहाँ के लोग जो भी है उधर से कांटेक्ट आए और ऐसा सिम्टम्स आया बोले तो उसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं बोल के, वो जो भी हैदराबाद जाके आया उसको फीवर आया बोले तो वो करोना वायरस नहीं है, हम लोग उसको पेशेंट से बात करना पड़ेगा, उसके हिस्ट्री लेना पड़ेगा और उससे जो भी है सिम्टम्स बारे में पूछना पड़ेगा और एग्जैक्टली उनको कई कांटेक्ट हुआ, कंफर्म केस से मिले थे या उन्होंने जो भी ट्रैवल करे थे वहाँ कंफर्म केसेस थे या कंफर्म कांटेक्ट थे, उसके हिसाब से वो डायग्नोस कर सकता है। बीदर के बारे में अभी टिल नाउ कभी कल्याण कर्नाटक में इंक्लूडिंग बीदर, गुलबर्गा, यादगीर, कोप्पड़, कहीं भी कंफर्म केसेस नहीं है, एक भी कंफर्म केसेस रिपोर्ट नहीं हुआ है, एक भी कंफर्म केसेस नहीं है। जो भी सस्पेक्ट्स रहते हैं, जो भी अभी सोशल मीडिया में और अदर वायरल हो गया ना, जो भी अगर लोगों में है, अगर फीवर आया, बुखार आया, खांसी आया, ऐसा आया तो जो डॉक्टर को कांटेक्ट कर देते तो वो करोना नहीं है। रेयर सिम्टम यूजुअली क्या होता है, ये हर जैसा वायरल बीमारी जैसा है, मेन सिम्टम में हाई ग्रेड फीवर आता है और कफ रहता है और स्नीजिंग रहता है और पूरा बदन में दर्द, आंखें जलना और ज्यादा से ज्यादा बोले तो सांस लेने में दिक्कत होना, ये मोस्ट कॉमन हर एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें करोना भी होता है। यूजुअली क्या होता है, अगर करोना इन्फेक्शन रहता है तो 80-90% पेशेंट में ये सिंपल सिम्टम से ठीक हो जाएगा, अगर ज्यादा इससे ज्यादा हो रहा है पेशेंट को बोले तो 10-15% केसेस अगर करोना इन्फेक्शन हुआ बोले तो निमोनिया होने का चांसेस है, निमोनिया 15% पेशेंट में होने का चांसेस है। और उसके अलावा निमोनिया के अलावा क्या होता है, और बीमारी लंग्स को फैला जाता है और उसको बोलते हैं ARDS रेस्पिरेटरी फेल्योर, ऐसा होने का चांस रहते हैं। और उससे आगे अगर बीमारी फैलता गया, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन में बोले तो AKI हो सकता है, रीनल फेल्योर जा सकता है, अगर उतना भी फिर ज़्यादा हो गया बोले तो मल्टी आर्गन फेल्योर बोलते हैं, हर एक जो भी है लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, आपका दिमाग, ब्रेन फंक्शन, वो सब ये होते जाएगा, ये दीजर ऑल सीवियर केसेस में होता जाएगा। अगर जो भी है कांटेक्ट में, यूजुअली क्या होता है बीमारी, अगर एक कांटेक्ट पर्सन से आया और एक पेशेंट आपको एक्सपोज हो गया, बीमारी सिम्टम्स आने में 2-10 नहीं तो 14 दिन लगेगा, उसमें सिम्टम माइल्ड सिम्टम्स ही रहेगा, और उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा सिम्टम्स हो रहा बोले तो यूजुअली निमोनिया हो सकता है। यूजुअली द एज ग्रुप क्या है, यंगर एज ग्रुप और ओल्डर एज ग्रुप, और पेशेंट जिसका भी कोमॉर्बिड कंडीशन रहता है, पेशेंट अभी फिलहाल बीमार पेशेंट है, पेशेंट का जो भी किडनी डायलिसिस पेशेंट है और एज मोर देन 60 है, 60-65 है, बेड रिडन है, और जो भी पेशेंट कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी जैसा ऐसा ले रहे हैं, तो पेशेंट जो भी है ट्यूबरक्लोसिस, अदर लाइक HIV इन्फेक्टेड, जो भी ऑलरेडी बीमार पेशेंट है उनमें थोड़ा ये जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये बोला निमोनिया होना, मल्टी आर्गन फेल्योर होना, रीनल फेल्योर होना, वो सब चीज़ नॉर्मल इंडिविजुअल में यूजुअली 80-90% में नहीं होता है, बाकी का जो भी है जो हाई रिस्क पेशेंट बोले ना उसमें वो बीमारी होने का चांसेस है, पेशेंट को वेंटिलेटर जरूरत पड़ेगा, पेशेंट को डायलिसिस करना जरूरत पड़ेगा, पेशेंट ICU में स्टे करना पड़ेगा, वो सब वो हाई रिस्क केस में हो सकता है। वो भी
यूजुअली क्या होता है, यूजुअली पेपर स्टेटमेंट वो सब मीटिंग्स जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी ऑफिशियल है उनके हिसाब से हो गया है। जो भी सारी जगह वेल प्रिपेयर्ड है, जो भी केसेस है सस्पेक्ट है उनको अभी ऐसा सिम्टम रहे तो स्क्रीनिंग के लिए भी सब तैयार है, लेकिन ऐसा पेशेंट अभी भी नहीं है। एलिजा नहीं, पीसीआर टेस्ट बोल के, पीसीआर टेस्ट यूजुअली क्या होता है वो ओरोफेरिंजियल स्वैब नहीं तो नेसोफेरिंजियल स्वैब से लेते, नहीं तो एलिजा टेस्ट नहीं तो ब्लड सीरम लेते, वो अभी भी ऐसा अभी भी अवेलेबल नहीं है यहाँ। यूजुअली क्या होता है वो सैंपल कलेक्ट करके उसको प्रोसेस कर देते, जो क्योंकि ये नया वायरस है ना, हर जगह आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। यूजुअली हम लोग यहाँ टू बेड आइसोलेशन वार्ड रखे हुए, जो भी क्लिनिकली सस्पेक्टेड पेशेंट अभी जो भी आ गया ना उस वार्ड में हम रख के हिस्ट्री लेके अगर सस्पेक्ट हुआ बोले तो उसका जो भी है फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट देने के लिए हम तैयार है। जनरल प्रिकॉशन जो भी है, आपको ये बीमारी फैलता मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट से आता है वन, और दूसरा है ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। अगर आपका आप पेशेंट से कांटेक्ट है, अगर पेशेंट को टच कर रहे हैं, अगर पेशेंट टच कर रहे हैं तो जो भी है सामान टच कर रहे हैं, कपड़े जो भी फाइल जो भी पेन जो भी है यूज कर रहे हैं वो टच कर रहे हैं वो उससे भी एक आता है, और एक है ड्रॉपलेट बोलते हैं। अगर आप पेशेंट आपके बगल में बैठा है नियर बाय 1 मीटर डिस्टेंस इतने है, अगर पेशेंट आप खांसी खांसता है और स्नीजिंग करता है बोले तो उसमें ड्रॉपलेट फैलता है, वो ड्रॉपलेट से आ सकता है। ये दो मेन वजह है। और ये जो प्रिवेंशन क्या है, यूजुअली हम कॉन्टैक्ट से दूर रहना है, जो भी है सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट कन्फर्म केस है उससे दूर जाना है। और एक बेहतर बात है, हम लोग खुद हमारा पर्सनल हाइजीन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अभी जब भी फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग बोलते हैं ना, अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आता है। जो भी अब वायरस अगर हाथ में आया ना वो 2 घंटे तक या 1 घंटे तक जिंदा रहता है। अब हाथ अत्यधिक धोए रिपीटेडली हैंड वॉश करें ना वो जाएगा। अगर आपको क्लॉथ में आया वो 8 घंटे तक रहता है, अगर क्लॉथ को फेंकाएगा रिपीटेड क्लॉथ वॉशिंग करे चेंज करे। अगर ये सब है आप कॉन्टैक्ट से मिले तो कॉन्टैक्ट से आया तो, अगर इफ यू आर ना कॉन्टैक्ट से नहीं अभी कंफर्म केस नहीं है आप कॉन्टैक्ट से दूर है बोले तो कोई भी डरने का जरूरत नहीं है।